शुक्रवार के व्रत की विधि के नियम। संतोषी माता के व्रत की विधि के नियम। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का व्रत होता है। जो इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से रखता है और करता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। मनोकामना पूरी होने के बाद ही संतोषी माता का ध्यापन करना चाहिए। इस व्रत में घर के किसी व्यक्ति को खटाई नहीं खानी चाहिए और ना ही खटाई के हाथ लगाना चाहिए। इस व्रत को करने वाला कथा कहने व सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलना चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ से गुड़ चना गाय माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश में जल भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और पचा हुआ पानी तुलसी की क्यारी में डाल दे। 5.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। बचा हुआ पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। व्रत के उद्यापन में 28 एर खाचा मोमनदार पूड़ी खीर चने का शाक नैवेद रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय, जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए और ना आप खाए। 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरे को नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा दूसरों को बुला ले, उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे और भोजन कराकर 1-1 केला दक्षिणा में दे, लेकिन पैसे भूलकर भी ना दें, क्योंकि बच्चे पैसे से मिठाई खा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।